नमस्कार स्वागत है आपका लाइव खबर में मैं हूं आपके साथ पूजा झा चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर कहते हैं कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है इस प्यार के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है ऐसा ही एक मामला सामने आया है फतेहपुर से जहां पुलिस ने छह ऐसे आशिकों को धर दबोचा है जो अपनी गर्लफ्रेंड्स के खर्चों के लिए लुटेरे बन गए और उनकी इसी चाहत ने उन्हें जेल भिजवा दिया मामले में पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राहुल राज के निर्देशन में 24 घंटे के अंदर इन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से पुलिस ने लूट के सामान के साथ कारतूस और दो बाइकें भी बरामद की हैं। वहीं फरुखाबाद के कटरी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ का पानी भर गया है जिससे बच्चों का स्कूल आना बंद हो गया है जिसके चलते उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है बताया जा रहा है कि स्कूल के चारों ओर पानी भर गया है ऐसे में बच्चे अगर स्कूल पर जाते हैं तो उनकी जान पर बन सकती है क्योंकि स्कूल में कमर से ज़्यादा पानी भरा हुआ है वहीं मामले में बी एस राजकुमार पंडित ने बताया कि बाढ़ के पानी से घिरे स्कूल बंद कराकर पास के स्कूल में शिक्षकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा वहीं बाढ़ का पानी कम होने पर ही स्कूल खोले जाएंगे कासगंज पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें पुलिस को अरुणाचल प्रदेश की अवैध शराब की 25 पेटी बरामद हुई है पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया और अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत करीब एक लाख रुपए बताई जा रही है औरैया की कोतवाली पुलिस ने एक वृद्ध की हत्याकांड का खुलासा किया है पुलिस ने बताया कि 22 जुलाई को लूट के बाद वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसके पास से पुलिस ने लूट के जेवर और नकदी भी बरामद की है मामले में पुलिस ने बताया कि मृतक महिला घर पर अकेली रहती थी जिसका फायदा उठाकर चोर उसके घर में चोरी के इरादे से घुस गए बुजुर्ग ने जब लूट का विरोध किया तो आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी वहीं बदायूं के बिसौली के संग्रामपुर गांव में एक बार फिर पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है जहां पुलिस ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई मृतक के बेटे ने बताया कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई थी जिसका उसके पिता ने विरोध किया तो पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी बताया जा रहा है कि अकबर पर हवाला कारोबार में लिप्त होने के आरोप में पुलिस उसे पकड़ने गई थी खबरों में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए लाइव खबर